हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में बीएससी थर्ड ईयर सब्जेक्ट हमारा जूलॉजी, जिसमें हमने यूनिट सेकंड जिसका नेम है वेक्टर्स एंड पेस्ट, इस यूनिट में हमने जो है इसका फर्स्ट चैप्टर जिसका नेम है गंदी बग और राइस बग, जिसको हम लेप्टोकोरिशा वायरी कॉर्निस जिसका जूलॉजिकल नेम है, इस चैप्टर का हमने जो है पूरा स्टडी कर लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो देखना हो तो आपको इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज हम शुरू करेंगे यूनिट सेकंड का चैप्टर टू जिसका नेम है शुगर केन लीफ हॉपर। इसको शुगर केन लीफ हॉपर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये शुगर केन मीन्स गन्ने की पत्तियों पर कूदते हैं, हॉप करते हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं शुगर केन लीफ हॉपर। और इसका जूलॉजिकल नेम है पायरेला परप्यूशिला। हमें इसमें सबसे पहले इसका सिस्टमेटिक पोजीशन स्टडी करना है, जिसमें जो है इसका फाइलम है आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा से बिलोंग करता है, ऑर्डर है हेमिप्टेरा। हेमिप्टेरा से जो भी इंसेक्ट बिलोंग करते हैं उनमें ऐसा है कि जो है इनका जो विंग होता है, मींस इनका जो पंख होता है, ये पूरे बॉडी को कवर किए रहते हैं और इनको जो है उड़ने में, फ्लाई करने में मदद नहीं करते, जिससे ये कूद कूद कर, हॉप कर करके ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करते हैं। इसमें हमारा जीनस है पायरेला और इसका स्पीसीज है परप्यूशिला। सिस्टमेटिक पोजीशन के बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हैबिट एंड हैबिटेट ऑफ पायरेला परप्यूशिला। दी पायरेला इज दी सीरियस पेस्ट ऑफ शुगर केन। जो पायरेला इंसेक्ट होते हैं ये जो है शुगर केन मीन्स गन्ने की क्रॉप पर ये जो है वहाँ पर रहते हैं मोस्टली टाइम, एंड सम टाइम आल्सो इफेक्टेड ऑन। अगर इनको जो है गन्ने की फसल ना मिले तो ये जो है और भी क्रॉप पर भी ये नुकसान पहुँचाते हैं, जैसे कि मेज, मक्का, वीट मीन्स गेहूँ, बार्ली, ओट्स, लेडीज़ फिंगर, करेला, कैलिस फ्लावर एक्सेट्रा, इन सब की क्रॉप पर भी ये जो है हार्मफुल पहुँचाते हैं। इट इज़ कॉमनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट इंडिया। ये जो है पूरे भारत में पाए जाते हैं एंड कॉज एक्सटेंसिव डैमेज टू शुगर केन क्रॉप। ये जो है शुगर केन की क्रॉप को पूरे भारत में नुकसान पहुँचाते हैं, जैसे जो है यूपी में, उत्तर प्रदेश में, एमपी में और महाराष्ट्र MH में भी ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल पहुँचाते हैं शुगर केन की क्रॉप को। इन यूपी इट इज़ मच हार्मफुल इन मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट एक्सेट्रा। आपको जो है यूपी में इन सब ज़िलों में, मेरठ में, मुजफ्फरनगर में, सहारनपुर, पीलीभीत, इन सब जगहों पर गन्ने की अच्छी सी फसल होती है और इन सब जगहों पर शुगर केन पर जो लीफ हॉपर होते हैं, शुगर केन लीफ हॉपर इन गन्नों की फसल को बहुत नुकसान पहुँचाते, बहुत हार्मफुल करते हैं। द इंसेक्ट यूजली फाउंड हॉपिंग ऑन द लीव्स ऑफ शुगर केन इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग आवर। आपको जो है सुबह और शाम के समय ये जो है गन्ने की फसल की जो लीफ होती है इन पर जो है मूव करते हुए दिखाई देंगे। और मूव जो है किसकी मदद से करते हैं? एनल टफ्ट मीन्स जो है इनके एनस के पास जो है बालों का गुच्छा पाया जाता है, हेयर का ग्रुप पाया जाता है, एक पेयर जो इनके पास जो है मतलब एक जोड़ा एनल टफ्ट पाया जाता है, इनकी मदद से ये मूव करते हैं। इसलिए जो है हेमिप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करते हैं। इनके पास जो विंग होता है, इनके पास जो पंख होते हैं, वो उनको उड़ने में मदद नहीं करते हैं ज़्यादा, तो इसलिए जो है एनल टफ्ट की मदद से जो है मूव करते हैं। ये जो है मतलब उड़ते नहीं है, ये कूद कूद कर, हॉप करके, जंप करके एक लीप से दूसरे लीप पर सुबह और शाम के समय कुछ घंटों में आपको ये दिखाई देंगे एक लीप से दूसरे लीप पर जंप करते हुए, विद द हेल्प ऑफ एनल टफ्ट, हिंस द कॉमन नेम लीफ हॉपर। इसीलिए जो जब ये कूद कूद कर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते हैं, इसीलिए जो इनका नेम जो है लीफ हॉपर रखा गया है। हैबिट एंड हैबिटेट के बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मॉर्फोलॉजी ऑफ पायरेला। मॉर्फोलॉजी मीन्स ये में बाहर से कैसे दिखते हैं, इनका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या है, बाहर से इनका स्ट्रक्चर किस तरीके से दिखाई देता है, इसलिए इसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में हमें शेप, साइज, कलर, स्ट्रक्चर, इन सब के बारे में स्टडी करना है। तो इसमें जो है सबसे पहले देखते हैं शेप, टिपिकल इंसेक्ट टाइप। ये जो हमें जो है मतलब समान इंसेक्ट की तरह दिखाई देंगे, समान कीड़ों की तरह दिखाई देंगे, विथ प्रोमिनेंट प्रोलॉन्ग स्नॉट, और इनके पास जो है अस्पष्ट लंबा सा सूंड रहता है। स्मार्ट आइज, इनके पास आँखें जो होती है बहुत स्मार्ट होती है। एंड एनल टफ्ट मतलब इनके एनस के पास जो है वन पेयर, एक जो है एनस के पास जो है हेयर का गुच्छा रहता है, मीन्स बालों का गुच्छा रहता है वन पेयर, जिसकी मदद से कूदते हैं, हॉप करते हैं। इनका साइज कैसा है? 8 to 10 millimeter इन लेंथ इनकी लंबाई होती है, 8 to 10 millimeter इनकी लंबाई होती है। कलर पेल स्ट्रॉ इन कलर, मतलब जिस हल्का भूरा मीन जिस तरीके से जो भूसा होता है उसका कलर होता है पेल स्ट्रॉ, इसी तरीके से जो है पायरेला परप्यूशिला भी हमें जो है हल्के भूसे की कलर मीन्स पेल स्ट्रॉ कलर में हमें दिखाई देते हैं। स्ट्रक्चर, द बॉडी ऑफ टिपिकल शुगर केन लीफ हॉपर इज अपीयर एज फॉलोज। शुगर केन लीफ हॉपर जो है हमें इस तरीके से दिखाई देते हैं, क्योंकि जो है जब इसमें दो स्ट्रक्चर है, एक इसको बोलते हैं निम्फल स्टेज, दूसरा होता है एडल्ट इंसेक्ट।
क्योंकि जो है इनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो इनकम्प्लीट होती है और हेमी मेटाबोलस टाइप की होती है, इनकम्प्लीट होती है और हेमी मेटाबोलस टाइप की होती है, इसलिए आपको इनकी लाइफ साइकिल में दो स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। जब एक हैच होते हैं, एक से हैच होकर लार्वा का फॉर्मेशन ना करके इमैच्योर एडल्ट इंसर्ट का फॉर्मेशन होता है, इमैच्योर इंसर्ट का फॉर्मेशन होता है जिसको हम बोलते हैं निम्फल स्टेज। निम्फल स्टेज मीन्स जब एक हैच होकर बाहर निकल रहा है तो उसे लार्वा का फॉर्मेशन ना होकर इमैच्योर इंसर्ट का फॉर्मेशन होता है जिनको हम बोलते हैं निम्फ। ये जो है आपको एडल्ट इंसेक्ट से जो है छोटा दिखाई देगा, छोटा मीन्स इनका जो विंग है ये छोटे दिखाई देंगे, इनका जो स्नाउट है वो भी छोटे हैं, इनकी आई है मीन्स इनके जो आँख हैं ये भी जो छोटे हैं, इनके जो विंग है विंग अभी तो पूरे बॉडी में इनको डेवलप भी नहीं हुए, अभी विंग जो है पूरी बॉडी को कवर नहीं किए हैं, इसीलिए आपको एनल टब जो है आपको ये अच्छे से दिखाई दे रहा है। लेकिन जब इसमें एडल्ट इंसेक्ट जब बड़ा इंसेक्ट हो जाता है तब इसमें इसके जो विंग होता है ये आपको विंग दिख रहा है, ये विंग जो है पूरे बॉडी को कवर कर लेता है जिससे जो है आपको एनल टप भी एडल्ट इंसेक्ट में नहीं दिखाई देगा। और जिनका विंग के पास जिनके लेग हैं, लेग भी अभी जो है निम्फल स्टेज में अभी ये छोटे से हैं, लेकिन जब इनमें मोल्डिंग होती है इसमें जो है परप्यूसिला में पारिला परप्यूसिला में मोल्डिंग जो है 5 टाइम होती है, मोल्डिंग होकर जो है मतलब इनकी बॉडी से क्यूटिकल निकल कर डेवलप होकर उनसे जो जब क्यूटिकल निकलती है तो डेवलप होकर जो है ये एडल्ट इंसेक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। आ टिपिकल शुगर कैन लीफ हॉपर इज अपीयर एज फॉलोज, इस तरीके से हमें जो है शुगर कैन लीफ हॉपर दिखाई देते हैं जिसमें जो है निम्फल स्टेज है। निम्फल स्टेज मीन्स इमैच्योर इंसेक्ट, ऐसा इंसेक्ट जो है जब एक हैच होकर लार्वा का फॉर्मेशन ना करके छोटा सा इमैच्योर इंसेक्ट का फॉर्मेशन करता है जिसमें जो है वो एडल्ट इंसेक्ट से मतलब इमैच्योर मीन्स अभी वो जो है पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ है जिसको हम बोलते हैं निम्फल स्टेज। इसमें आपको स्नाउट आई विंग और इनके जो लेग्स हैं इनकी जो एनल टब ये आपको अच्छी तरीके से मतलब वेल डेवलप नहीं दिखाई देंगे, लेकिन जब एडल्ट हो जाएंगे मीन्स जब मैच्योर हो जाएंगे तो जो है इनका आपको स्नाउट आई स्मार्ट मतलब आई बहुत स्मार्ट हो जाते हैं, लेग्स विंग्स ये आपको वेल डेवलप दिखाई देंगे। अब हम यह देखते हैं कि जो इसका स्ट्रक्चर है इसको हम किस तरीके से लिखेंगे। द एडल्ट इंसेक्ट्स आर प्रोवाइडेड विद 3 पेयर ज्वाइंटेड लेग, स्मार्ट रेड आइज, प्रोलॉन्ग स्नाउट, पेयर्ड एनल टब एंड एंटीना। जो इनका एडल्ट इंसेक्ट होता है मीन्स इनका जो मैच्योर इंसेक्ट होता है उनके पास जो है 3 पेयर ज्वाइंटेड लेग्स होते हैं, स्मार्ट आइज जो कि रेड कलर में दिखाई देते हैं, और जो इनका स्नाउट जिनका सूंड है प्रोलॉन्ग स्नाउट मतलब जो इनका सूंड है वो अच्छी तरीके से वेल डेवलप मतलब बड़ा सा अच्छी तरीके से आपको दिखाई देगा, एंड पेयर एनल टब और इनके पास जो है पेयर्ड मीन्स इनके पास एक जोड़ी जो है एनल टब मतलब एनस के पास इनके पास आपको एक जोड़ी बालों का गुच्छा दिखाई देगा जिसकी मदद से ये एक जगह से दूसरे जगह पर कूद कूद कर हॉप कर करके ये जाते हैं, एंड एंटीना और इनके पास जो है एंटीना भी दिखाई देगा। दी लाइफ एक्सपेंड ऑफ इंसेक्ट इज अबाउट 5 to 8 weeks। जो शुगर कैन लीफ हॉपर है इनकी पूरी जो जीवन काल होती है इनकी जो पूरा लाइफ टाइम होता है एक इंसेक्ट का वो जो है 5 to 8 weeks तक रहता है, मीन्स 5 से 8 सप्ताह तक इनका एक जीवन काल चलता है सिर्फ एक इंसेक्ट का। एंड 4 ओवरलैपिंग जनरेशन अकर्स इन अ ईयर, और एक साल में शुगर कैन लीफ हॉपर का 4 जनरेशन चलते हैं, 4 जनरेशन ओवरलैपिंग अकर्स इन अ ईयर। अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में जो है शुगर कैन लीफ हॉपर की लाइफ साइकिल क्या क्या डैमेज कॉज करते हैं और इनको हम किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं मीन्स इनका प्रिवेंशन एंड कंट्रोल इसको देखेंगे। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।